ग्राम पंचायत चौमहला में वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच सहित वार्डवासियों ने आम नागरिक समिति के तत्वावधान में ग्राम पंचायत चौमहला परिसर में हंगामा किया और सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी आदि पंचायत ने नदारद रहने पर नाराजगी जताई है। वार्डवासियों ने वार्ड से गुजर रहे नाले में करीब 2 दशक से सफाई नहीं होने पर भारी नाराजगी जताई है। वार्ड में रेलवे स्टेशन रोड, ICICI बैंक, ISBI बैंक, आबकारी विभाग, सत्यनारायण मंदिर, जैन मंदिर, शिव मंदिर आदि धार्मिक सरकारी संस्थाएं मौजूद हैं। बारिश आते ही नाले का गंदा पानी कीचड़ सड़क मंदिर तक घुसकर पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। वार्ड पंच एवं आम नागरिक समिति अनुसार कस्बे की आधी आबादी की गंदगी, गंदे पानी का निकासी आती है और नाले में, और वहीं अब नाला पूर्ण रूप से जाम, कीचड़ गंदगी में लबालब, जिसके कारण वार्डवासी, बच्चे, बुजुर्ग, आमजन परेशान हो रहे हैं। और वही वार्ड पंच वासियों ने पंचायत सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम विकास अधिकारी की पंचायत में अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। आज खड़े हम ग्राम पंचायत चौपेला में, जहाँ पर वार्ड नंबर 2 के खुद वार्ड पंच है, जो कि अपने वार्ड वासियों को लेकर ग्राम पंचायत में आए हैं और काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है? अरे, हमारे एक नाले की प्रॉब्लम है जो 22 साल से आज तक इन्होंने सफाई नहीं करे। 4 साल से मैं इनके लगातार सरपंच साहब से कह रहा हूँ कि साल सरपंच साहब नाला साफ करा लो। इसके वजह से स्टेशन रोड पूरा जाम हो जाता है, जिसमें महादेव मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, स्टेशन पे जाने वाला पूरा जाम हो जाता है। लोगों के घरों में कीचड़ घुस जाता है, उनके घरों की हालत ऐसी हो जाती है कि वह निकलना दुश्वार हो जाता है। कई बार चेताने के बाद भी सरपंच साहब ने इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी भी जो पानी बरसात होने वाली है उससे पहले भी हमने इन्होंने 10 दिन में सफाई करने का बोला था, उसके बाद भी नहीं। आज ये पब्लिक कहाँ जाएगी? कल से पानी भराएगा, स्टेशन से भी रुदूद हो चुका है, उधर भी निर्माण कार्य की वजह से वो पानी भी भराएगा और हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कोई कहने वाला नहीं। और ये बोलने के क्या करेंगे? अभी सफाई नहीं हुई तो कभी सफाई नहीं हुई उसकी। आदि आवाज पंचायत का है ना, यहाँ सेक्रेटरी साहब है ना सरपंच साहब है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, कोई सरकारी आदमी यहाँ नहीं है और परेशान हो रही है पब्लिक यहाँ पर। और ये हमारे तो रोज मेरे घर पे आया के ये बात कहती है, मैं परेशान हो गया यहाँ तो कोई कोई सुन रहा है। आपका क्या कहना है? आपको सतना मंदिर में रहते हैं ना? ये स्थित कितने सालों से सफाई नहीं हुई है वहाँ की? कई साल हुई है, जब भी खो जब भी हुई करेंगे, कर रहे कोई नहीं, कर रहे कोई बस, हाँ सब कर लेगा, क्या कहना? मैं कितनी बार बोला है ना, पानी की समस्या है, मेरे मकान में सील घुस गई, चारों तरफ मकान गिर रहे, वो है क्या ये नाली आज तक साफ नहीं हो पा रही है, पुराना नाला है। तो ये बोलते हैं तो कि अतिक्रमण कर रहा है, आज पंचायत को हक नहीं है कि अतिक्रमण तोड़वाने का, क्या SDM साहब को हक नहीं है कि अतिक्रमण तोड़वाने का? वो उन्हें सब अपने मुकाम पे लिखे कर रखी है।